वीडियो का पहली मर्तबा पहली बार कानाकोना में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में बाइक रखा गया है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, माफ कीजिएगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये प्राइज है बाइक के रूप में, हीरो प्लेजर के रूप में, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में ये प्राइज रखा गया है। राजे वॉरियर्स की पूरी टीम श्रुतेश अपने सभी साथियों को लेकर, श्रुतेश देसाई, श्रुतेश देसाई और संतोष देसाई के साथ उनकी पूरी टीम दिन रात जुटी हुई है इस प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए। फिलहाल ग्राउंड पर जाते हुए मैच की शुरुआत होने जा रही है, आज के दिन की दूसरी मैच, फ्रेंड्स 11 और सीनियर बॉयज के बीच चलती हुई। बल्लेबाजी के लिए आरंभिक जोड़ी आई है विकी और रुपेश, काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है ये विकी और रुपेश दूत नो साइकिंग एंड पे। अगली गेंद हवा में तैरती हुई गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री पार कर गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से। वडलो स्टेजीचं पेंडल जो आसा त्या पेंडला मुखारल्यान कोणीच बायक हाडची न्ही, एक विनंती आसा राजे वॉरियर्स मेंबरा कडल्यान, कोणीच बायक घेवन ह्या वर्सान पेंडलाच्या फुडले सायडीच्यान येवची न्ही। फिर एक बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा आना बाकी है। लगातार दूसरा छक्का, और एक स्पॉन्सर राजे वॉरियर्स के लिए स्पॉन्सरिंग करने वाले आ गए हैं मंच पर। ओमकार कोमरपन, बहुत बहुत स्वागत है ओमकार आपका राजे वॉरियर्स की ओर से। और इस बार बेहतरीन गेंद, स्वीप खेलने की कोशिश भी की, द्वारा गेंद तकरीबन बाउंड्री तक आती हुई लॉन्ग लेग के क्षेत्र में फील्ड होती हुई, और इस बीच 2 रन चुराए गए हैं विकी द्वारा। लेग बाइक का इशारा अंपायर करते हुए दामू नाइक, बाबू नाइक और दामू नाइक अंपायरिंग का जिम्मा संभालते हुए 2 रनों के सहारे टोटल गई है 14 रन। और इस बार अच्छी गेंद, गेंदबाजी में वापसी करते हुए अच्छी गेंद डाली गई है डॉट के रूप में गेंदबाज ने, 14 रनों पे स्कोर रुका हुआ। अच्छी शुरुआत यहां दिलाने की कोशिश करते हुए विकी, और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, रोक दिया गेंद को, लेकिन उतनी सुंदरता से रोका नहीं गया था।
सिंगल जरूर मिला है, सिंगल के जरिए टोटल धीरे धीरे बढ़ती हुई 15 रन। अब आए हैं स्ट्राइक पर दूत रुपेश, सामना करने की कोशिश। फिलहाल ओवर की समाप्ति, ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 15 रन बिना कोई विकेट खोए। डीजे अविनाश, धन्यवाद डीजे। कल के दिन भी शानदार क्रिकेट बाकी है यहाँ, और कल के दिन काफी बेहतरीन टीमों का भरना किया गया है। उनमें से एक टीम रॉयल वॉरियर्स टीम शामिल है। रॉयल वॉरियर्स के सर्वे सर्वा बालेश देसाई यहाँ निरीक्षण करते हुए आज के दिन के खेल का। स्वागत है बालेश देसाई आपका। उनके टीम मैनेजर है पूजा देसाई, दोनों ही यहां मंच पर बैठे हुए आज के खेल का निरीक्षण कर रहे हैं। शायद कल कुछ फायदा हो जाए, पिच का निरीक्षण करते हुए यहां से काफी देर तक बैठे हुए हैं मंच पर। और राजे वॉरियर्स के मेंबर स्टेज पर बैठे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है राजे वॉरियर्स की ओर से। दो स्पॉन्सरर्स मंच पर बैठे हुए हैं, मिस्टर ओमकार कोमर पंत और किशोर नाइक। यहां रमाकांत नाइक गांवकर भी आ चुके हैं। और इस बार रिवर्स स्वीप, दूत के बल्ले से गेंद गोली के रफ्तार की तरह गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। कुछ ही पलों के अंदर यहां दिल बहलाने वाला कमेंटेटर आ जाएगा प्रवीण देसाई। और फिर एक बार रिवर्स स्वीप, क्या शानदार दो जबरदस्त चौके रिवर्स स्वीप के तौर पर खेले गए हैं दूध द्वारा। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं दूध, शानदार दो चौके के जरिए काफी उभरी मिली है स्कोर में। स्कोर गया है 24 रनों पे। शान डीजे रिप्ले की सुविधा यहां उपलब्ध है, और रिप्ले की मांग की गई थी अंपायर द्वारा, और यहां रिप्ले पे दिखाई दिया है कीपर के पैर से ये बेल्स गिरी थी। शानदार निर्णय अंपायर का। और यहां 4 रन मिले हैं दूत को, 4 रन के जरिए टोटल गई है 24 रनों पे। अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज करते हुए, पहले ओवर के समाप्ति पर 15 रन जोड़े गए थे, उसके बाद यहां
और इस ओवर में अब तक 9 रन आ चुके हैं, टोटल गई है 24 रनों पे। अच्छी यहां क्रिकेट चलती हुई, शानदार यहां प्रदर्शन दोनों बल्लेबाज करते हुए विकी और दूत। दूत का नाम है रूपेश, अच्छे बल्लेबाज, 9 महीने शिपिंग पे रहने के बावजूद भी जब ये गोवा में रहते हैं, घर वापस आ जाते हैं तो क्रिकेट भी शानदार खेला करते हैं। और इस बार कवर ड्राइव के रूप में गेंद को हवा में खेला है और इस बीच कैच ड्रॉप, जीवन दान के सारे सिंगल यहां दूत को मिलता हुआ। 2 रन जोड़े गए हैं, माफ कीजिएगा, 2 रन मिले हैं दूत को। दूत का निजी स्कोर बन गया है 10 रन, 2 चौके के जरिए। एक जीवन दान भी मिल चुका है अभी अभी। कभी कभी जीवन दान काफी महंगा साबित हो जाता है पंकज जी, इसका असर आने वाला समय हमें जरूर पता चलेगा। और ये असरदार स्ट्रोक कैच छूटने के बाद लंबा स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र से 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, अब तक 3 बड़े स्ट्रोक खेल चुके हैं रुपेश। 2 चौके रिवर्स स्वीप के तौर पर रिप्ले की तरह 2 चौके गए थे। पहला चौका जिस प्रकार से गया था उसी प्रकार से, जैसे रिप्ले दिखाया हो रुपेश ने, उसी प्रकार से 2 चौके रिवर्स स्वीप के तौर पर और एक छक्का, बड़ा छक्का। और इस बार अच्छी गेंद यहां फेंकी गई है, ये देखते हुए कि विकेट को छोड़ के दूत लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे और गेंद बाहर डाल दी गई गेंदबाज द्वारा। और इसी के साथ 2 ओवर यहां खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर बन गया है 32, काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है 2 ओवर के समाप्ति पर। और आगे का हाल सुनाने के लिए वैभव नमसीकर। थैंक यू संदीप सर, एक बढ़िया शुरुआत हो जरूर चुकी है। दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा, अभी जो मैच चल रहा है सीनियर बॉयज और फ्रेंड्स 11 के बीच में, जो पहले बल्लेबाजी कर रही है सीनियर बॉयज, एक अच्छी शुरुआत, हालांकि बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिले विकी के बल्ले से। गेंदबाज में परिवर्तन होता हुआ, नए गेंदबाज मलिक बॉलिंग मार्क पर। बढ़िया माहौल नकलशन स्टेडियम पर, चारों तरफ से दर्शक इस टूर्नामेंट का मैचेस देखने के लिए। इस बीच की पहली गेंद मलिक की विकेट के लिए। ये बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट लॉन्ग बॉल के क्षेत्र में, फील्डर वहां पे मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। इस बीच 1 रन जुड़ता हुआ, हालांकि दूसरा रन लेने की कोशिश जरूर की गई थी विकी द्वारा, पर सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन्स, बढ़िया शुरुआत। तीसरी ओवर अभी भी प्रगति पर चलती हुई। इस बीच अगली गेंद मलिक की, बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी कीपर द्वारा, मिस फील्डिंग। इस बीच बाई के रूप में 4 रन मिलते हुए। नाखुश थोड़े से दिख जरूर रहे मलिक की स्पीच, फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर स्ट्राइक पर है दूत। ये बढ़िया गेंद, हालांकि लो फुल टस थी, फील्डर वहां पे मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, एक हाथ के सारे रोका गया इस गेंद को। इस बीच 1 रन जुड़ता हुआ, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन।
हालांकि फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई इस बीच फिर एक बार मलिक अपनी अग्नि गेंद लेकर रिवर्स स्वीप खेला जरूर गए, फील्डर वहां पे मौजूद, हालांकि करवट लेती हुई गेंद चार रनों के लिए एक बार। आणि एक राजे वॉरियर्सचा आणि एक कडेकड मेंबर पेरू भगत ये स्टेजर जो बसका ये बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जाती हुई गेंद थैंक यू डीजे भी चक्का लगता है उसके बाद लगातार दूसरा चक्का थैंक यू डीजे 61 रन बन चुके अब तक अभी भी 30 दी और प्रगति पर चलते हुए इस बीच ये अगली गेंद हालांकि रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश जरूर की गई थी थोड़ी सी टिपका के बाहर जाती हुई गेंद डॉट के रूप में हालांकि थोड़े से महंगे साबित होते हुए मलिक इस बीच फिर एक बार आता मात्र मोटो चंडो मोटो फुट को सहारा साठी तीन बड़े स्ट्रोक इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए मलिक फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर स्ट्राइक पर है विकी बल्ले का भारी किनारा लगते हुए कीपर के दस्तानों में जाती हुई और एक बड़ी पारी की समाप्ति होती हुई विकी के रूप में बहुत बढ़िया पारी 43 रनों की पारी खेली थी विकी ने तीन बड़े स्ट्रोक लगे जरूर गए थे चक्के ग्रुप में उसके बाद एक बढ़िया गेंद एक बड़ी सफलता पा ली है रमीज ने और विकी आउट होने के बाद नए जो बल्लेबाज है संदेश ठाकुर एक बढ़िया बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं ये एक सफलता पाने के बाद फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर संदेश के लिए
बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हालांकि बल्ले का भारी किनारा लगा जरूर था, नो मैट्स में गिरती हुई गेंद और ये गेंद जाती हुई डॉट के रूप में। इसके साथ चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 67 रन्स, लॉस ऑफ वन विकेट। थैंक यू डीजे। और इसी ने की आखिरी झोंक छह गेंदे लेके आ रहे ऋषभ, स्ट्राइक पर है दूत। अब तक बढ़िया पारी खेल चुके हैं इस बीच, ये बढ़िया गेंद, हालांकि खेला जरूर गया, फील्डर के ऊपर से जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ और एक चौका लगता हुआ इसी ने का। थैंक यू डीजे, जिस तरीके से शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को वैसे ही खत्म करना चाहते हैं इसी इनिंग को। चिवंदान का भरपूर फायदा उठाते हुए दूत, पहली गेंद पे चौका लगा जरूर है इस बीच, अगली गेंद लेकर ऋषभ दूत के लिए। हालांकि बढ़िया गेंद, संपर्क सही संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में, कीपर के दस्तानों में जाके रुकती हुई गेंद डॉट के रूप में। एक बढ़िया वापसी मानी जाएगी ऋषभ की, पहली गेंद पे चौका लगा था उसके बाद एक डॉट गेंद जाती हुई, फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, हालांकि खेला जरूर गया हवा में गेंद, इसी के साथ दूध के पारी की समाप्ति होती हुई। डीजे थैंक यू डीजे, एक 21 रनों की पारी, एक बढ़िया पारी खेल चुके हैं दूत और पेविलियन वापस लौट चुके हैं। इसके बाद जो बल्लेबाज आए संदेश, हालांकि स्ट्राइक पर है संदेश ठाकुर और नॉन स्ट्राइक पर है संदेश, और बढ़िया गेंद, हालांकि शॉर्ट खेला गया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां पे मौजूद। इस बीच एक रन बनता हुआ जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे, एक बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं संदेश, पिछले टूर्नामेंट में एक बढ़िया पारी, 12 गेंदों में 46 रनों की पारी जो खेली गई थी संदेश नायक द्वारा। इस बीच फिर एक बार पहली गेंद फेस करते हुए इसी इनिंग की फील्ड में, हालांकि थोड़ी सी तकदीली होती, खासकर की ये जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन होता है काफी तकलीफ देता है फील्डरों को। इस बीच फिर एक बार रुकावट के साथ मैच शुरू होता हुआ, हालांकि थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद वाइड करार दी गई है, इसके साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ वाइड के रूप में। काफी बढ़िया फॉर्म है इस साल, बढ़िया पारी खेल चुके हैं पिछले टूर्नामेंट में, देखते हैं कि उस तरीके की फॉर्म जिस पिछले टूर्नामेंट में जो खेली गई थी संदेश द्वारा वही फॉर्म इस टूर्नामेंट में दिखाते हैं कि नहीं। भी पहली गेंद फेस करते हुए संदेश नायक, हालांकि फिर एक बार लगातार दूसरी वाइड, इस बीच बाइक रूप में एक रन जुड़ता हुआ। बहुत अच्छा गेंदबाजी जरूर कर रहे थे पर इस बीच थोड़े से पैर लड़खड़ाते हुए ऋषभ के, और लगातार दो वाइड, फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर, हालांकि संदेश पहली गेंद फेस नहीं कर चुका इस बीच,
ये बढ़िया गेंद टिप्पा का के बाहर जाती हुई गेंद गति में परिवर्तन स्लोअर डिलीवरी डॉट के रूप में जाती हुई एक बढ़िया गेंदबाज हालांकि वाइड डाले जरूर गए थे। आखिरी गेंद इसी ने की शफल करके खेलने की कोशिश और एक अपील की जरूर गई थी और ये गेंद वाइड करार दी गई है अंपायर द्वारा। अब तक तीन वाइड गेंदें डाल चुके हैं तीन अतिरिक्त रन दे दिए हैं ऋषभ ने। अभी भी आखिरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और एक बड़ा स्ट्रोक संदेश ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ ये डमडमाता चमचमाता चक्का और इसी के साथ इस इनिंग की समाप्ति होती है और स्कोर 82 और 83 रनों का लक्ष्य फ्रेंड्स 11 को यह मैच जीतने के लिए। राजे वॉरियर्स चार रस्ता आयोजित हो भावी दिवस टेनिस फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट आज आणि फाल्यां दोन दीस चलपाचो आसा। आज पहिलो दीस आणि पहिल्या दिसाच्यो ही दुसरी मॅच तुम पळयतात फ्रेंड्स 11 आणि सिनियर बॉयज हाजे मदीं पहिली बॅटींग करून एक सुंदर अशें आयोजन तुम पळयतात जिकपी जी टीम आसा टुर्नामेंटाक ताका मेळटले 1,777 रुपया ताजे वांगडाच एक सुंदरशी ट्रॉफी रनर्स अप जे आसा तांकां मेळटली ट्रॉफी आनी त्या शिवाय 50,777 रुपया आनी मेन ऑफ द टुर्नामेंटा खातीर ही चकचकपी जी बायक आसा हिरो प्लेजर ती मेळटली आनी जी स्पॉन्सर केल्या नॉर्बर्ट फिटनेस स्टुडिओ काणकोण आनी राजे वॉरियर्साचे सगळे मेंबर्स ज्यांनी दीस रात एकटे करून हो सुंदरसो टुर्नामेंटाच्या आयोजनांक केला। आमच्या राजे वॉरियर्सचे सगळे मेंबर जे आसा ते अशे आसात श्रुती देसाय संतोष देसाय संजय देसाय अमन बांदेकर शुभम देसाय विनोद चारी नितेश गोसावी शुभम कोमरपंत प्रलय भगत जितू देसाय मंदार नाईक नवराज काणकोणकर साईश कामत रतेश चारी मिलिंद देसाय निखिल देसाय समीर देसाय विदेश देसाय अशोक देसाय आणि वीरेंद्र देसाय ताजे शिवाय कितलेशेच लोक आसा ज्याने आमकां खूब आणि खूब मदत केल्या व टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक तांकां सगळ्यांक आम्ही चडान चड देव बरें करून म्हणटा तुमच्या सगळ्यांचे परतून एक फाट स्वागत। हो सबन टुर्नामेंट तुमकां सगळ्यांक लायव्ह पळोवपाक मेळटा म्हणजे युट्यूबाचेर प्रत्येक मॅची खातीर रिप्ले आसात खंयच्या टिमीक एक रिव्ह्यू मेळपाचो आसा आणि अंपायरांक जर दिसले जाल्यार अंपायर सुद्धा घेऊक शकतात एक एडिशनल रिव्ह्यू रिप्ले पळयतकच तुमकां डिसिजन मेळटा आणि त्या खातीर हांगा लायव्ह कॅमेराचेर आणि हो कॅमेरा फक्त आणि फक्त मॅच न्ही तर ऑडियन्सां सुद्धा कॅप्चर करता जायत्या लोकांचे कमेंट सांगायत आसात। एक सुंदरशें आयोजन राजे वॉरियर्स चार रस्ताचे तर्फे आणि पहिलेच फावट ही सुंदरशी बाईक जी आसा इट इज मेन फॉर मॅन ऑफ द टुर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्बर्ट फिटनेस स्टुडिओ दुसरे इनिंगची सुरुवात जाता आणि इट्स ओवर टू मराठी कॉमेंटेटर योगेश परब।
हॅलो फ्रेंड्स इलेव्हनचा संघाचा अतिरिक्त खेळाडू ट्वेल्थ मॅन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचा आहे. फ्रेंड्स इलेव्हन संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय आपला अतिरिक्त खेळाडू ट्वेल्थ मॅन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. मोठा फटका मारण्याचा इरादा फलंदाजाचा पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू विदलंद कार्पेट पद्धतीचा दोन धावांवर थँक्यू डीजे. फ्रेंड्स इलेव्हन संघ संघनायक एक विनंती करतोय लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आहे. आपल्या फलंदाजांची नावं आमच्यापर्यंत पोचत नाही, एक विनंती करतोय आपला अतिरिक्त खेळाडू ट्वेल्थ मॅन आमच्यापर्यंत पोचवायचा आहे. कॉमेंट्री पक्ष दूर करणं गोलंदाज सज्ज होतोय. पहिल्या चेंडूवर दोन धावा, त्यानंतर एक टेनिस क्रिकेट विश्वातील गोवा राज्यातील मोठं नाव, सिंधुदुर्ग जिल्हा असो गोवा राज्य असो, ज्यानं आपलं नाव गोलंदाजीच्या रूपामध्ये उच्चांकाला आणलंय तो कल्पेश. मात्र कॉमेंट्री पक्ष दूर करणं स्क्रीनवर दिसतोय. नवीन फलंदाज दादू माघारी परततोय. पहिला गडी बाद होतोय. यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू आल्या मोठ्या फटका मारावा आडव्या भेटणे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू बिसवला जातोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगत अखेरीस तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले शतक त्या षटकामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाचा मात्र 83 धावांचा पाठलाग. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका मारावा, 83 धावांचा पाठलाग म्हणजे प्रति षटकामध्ये 2 ते 3 मोठे फटके मारावे या इरादानं मैदानामध्ये खेळावं. उमेश सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा फ्रंट फुटला येतोय. मोठा फटका मारावा. स्क्वेअर लेग रिझल्ट क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येतोय. सुंदर पद्धतीची वाखाणण्याचा फेक करतोय. तोपर्यंत दोन फलंदाज एक धाव पूर्ण करतायत आणि एक या धावसंख्येनं बऱ्याच वेळानं धावपलक मात्र एक न पुढे पधारतोय तो. 3 धावा या धावपलकावर. कल्पेश सज्ज होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स दूर करणं थोडस दिशाहीन चेंडू. सांकेतिक भाषेत झाला पंचापटू हरियाणा नावानं संबोधला जाणारा चेंडू. पंच दोन हात समांतर करून स्वेअर चेंडूचा इशारा देत आहेत. दंड्यात्मक धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या मात्र एक न पुढे सरकते ती. 4 धावा या धावपलकावर. अतिरिक्त स्वरूपात एक धाव बहाल होते. मोठा फटका बऱ्याच वेळा निघतोय. मिस टायमिंग फटका. 2 ते 3 क्षेत्ररक्षक चेंडू पाशी पोचतोय. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षकाची घोर चूक. घोर चुकीचा निर्वाळा करत सांघिक धावसंख्या एक न मात्र पुढे सरकते ती. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या पुढे सरकते ती. पाच धावा या धावपलकावर. सुंदर पद्धतीचा स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका. लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षण येतो. चेंडूची परती करतोय संघाचा संघनायक. दोन फलंदाज एक धाव पूर्ण करतायत. एक या धावसंख्येनं पहिल्या वयाला षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. सिनियर बॉईज संघ संघनायक एक विनंती करतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपलं अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचं आहे. आपलं ट्वेल्थ मॅन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचं आहे. सिनियर बॉईज संघ एक विनंती करतो युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा. सिनियर बॉईजचा एक्स्ट्रा प्लेयर मस्त बेगीन धडात. पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ होतोय समाप्त आणि 6 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 83 धावांचा पाठलाग करत असताना 6 धावा या धावपलकावर. दुसरं शतक प्रगतीपथावर आणि कॉमेंट्री बॉक्स दूर करणं. कॉमेंट्री बॉक्स म्हणून याचं आदरानं एक वलयंकित नाव टेनिस क्रिकेटमधील संदेश ठाकूर, जो बऱ्याच वेळा गोवा पोलीस संघाच्या वतीनं खेळतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा असो गोवा राज्य असो, ज्यानं आपलं नाव उच्चांकाला आणलंय एक अष्टपैलू खेळाडू सज्ज होतोय. सुंदर पद्धतीचा चेंडू, फुलटच पद्धतीचा चेंडू. लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येतोय. वारंवार मोठा फटका मारावा हा इरादा मात्र उमेशचा. थोडस बॅटच्या फट्ट्या देत नाही. मिस टायमिंग फटक्यांवर मात्र एकेरी दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्येचा धावफल मात्र पुढे वधारतोय तो. 7 धावा या धावपलकावर. दुसरा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर जातोय. आउटसीम पद्धतीचा चेंडू. निर्धाव चेंडूच्या सागते अखेरीस दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू सन्मानपूर्वक खेळून काढावा. चांगल्या चेंडूचा सन्मान करावा. खराब चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवावा. पण प्रतिस्पर्धी संघ सिनियर बॉईज संघ डोंगरा एवढी धावसंख्या मात्र धावपलकावर लगावतोय. बहाल केलेल्या धावसंख्येमध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला जखडून ठेवतोय अक्षरशः मैदानामध्ये.
बऱ्याच वेळानं मोठा फटका येतो, मिस टायमिंग फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक थोडस सगळ्याचे किरण डोळ्यावर येत आहेत, झेल सोडतोय. झेल सोडल्यानंतर रूपांतर एकेरी धावसंख्येमध्ये होतंय आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या पोचते ती 8 धावा या धावपलकावर. शांतमय अशा वातावरणात चालू असलेला हा महत्वाचा सामना. आडव्या बॅटचा एक फटका पाहायला मिळतो, विदर्भ कार्पेट पद्धतीचा क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर चेंडूचे करतोय परती. एकेरी दुहेरी धावसंख्येवर फ्रेंड्स इलेव्हन संघ मात्र भर देतोय, कारण महत्वाचा गडी माघारी परततोय. दोन अनुभवानं नटलेले गोलंदाज प्रतिस्पर्धी संघाच्या टीम मध्ये. बॅकफुटला यायचंय, पॉईंटच्या डोक्यावरून मोठा फटका टोलवावा या इरादाना फलंदाजी करण्याचा मात्र प्रयत्न राहतोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगतेखेरीस 12 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर एक नाजूक स्थिती धावपलकावर पाहायला मिळते. ती एका गड्याच्या मोबदल्यात 83 धावांचा पाठलाग करत असताना 8 धावा या धावपलकावर डीज आहे. प्लीज टेक अ नोट स्टेजी मुखाल्यान कोणेच आपली टू व्हीलर वचनी. थँक्यू डीजे, थँक्यू सर. कॉमेंट्री बॉक्स दूरकडनं स्क्रीनवर येतो एक अष्टपैलू खेळाडू ज्यानं फलंदाजीच्या बाबतीत जर विचार केला, ज्यानं वादळी खेळी केली 20 स्फोटक फलंदाज, एक अष्टपैलू खेळाडू, गुणवान खेळाडू मात्र स्क्रीनवर येतोय. तो मात्र विकी दिसतो स्क्रीनवर. उमेश सैराचा टप्पा पडल्यानंतर मोठा फटका मारावा बॅकफुटला येऊन टप्पा पडल्यानंतर चेंडू उंच घेतो. निर्धाव चेंडूच्या सांगत अखेरीस 3र्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. शरीरष्टेवर चेंडू आढळला जातोय, थोडासा एकतर्फी सामना दिसतोय, कारण सिनियर मोय संघ फलंदाजीच्या बाबतीत विचार केला तर विकी आणि त्याच्या जोडीला संदेश ठाकूर, त्या जोडीला सलामीवर डाव्या हाताचा फलंदाज. रुपेशची एक सुंदर पद्धतीची खेळी पाहायला मिळाली, सुंदर पद्धतीचा मात्र पाहायला मिळतोय. झेल कॅच ऑफ द डे म्हटलं तर वावगडानं आजच्या दिवशी. झेलच्या स्वरूपात मात्र उमेशला मात्र माघारी परतावं लागतंय डीज. थँक यू डीजे. 15 धावा धावपलकावर. पुन्हा एकदा बऱ्याच वेळानं मोठा फटका निघतोय. जी आक्रमकता हवी होती ती आक्रमकता पाहायला मिळते. लागोपाठ 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके. डीप मिडल गेटरीच्या मध्ये सुंदर पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतोय. पुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, या चेंडूवर मोठा फटका मारावा इरादा. बॅटच्या पद्धतीचा चेंडू आडव्या पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा. क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात चूक करतोय, सुंदर पद्धतीचं बॅकअप होतोय. एक या धावसंख्येनं 3 षटकांचा खेळ, 18 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्या आहेत. 22 धावा धावपलकावर. उर्वरित 12 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आणि उर्वरित 12 चेंडू आणि विजयासाठी. बारा चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आणि विजयासाठी 61 धावांची आवश्यकता.
12 चेंडू 61 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजाचं स्वागत मात्र षटकारानं चौकारानं करब या दोन षटकात नटलेले खेळ साकारत स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय तो मात्र शैलेश सज्ज होतोय. सुंदर पद्धतीचे गोलंदाजी पहिल्या मिनिटे टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खाली राहतोय. शपल केल्यानंतर आडव्या बॅटनं मोठा फटका मारावा प्रयत्न मात्र प्रयत्न राहतोय. वेळ बदलतोय, काळ बदलतोय, समीकरण बदलतोय. 11 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. 11 चेंडू 61 धावांची आवश्यकता. बऱ्याच वेळानं मोठा फटका निघतोय पॉइंटच्या डोक्यावरून. चेंडू मात्र वन बाउन्स से मारेशा गाठतोय. चौकारानं होतोय स्वागत या ठिकाणी गोलंदाजाचं. डीजे महत्वाच्या आकांक्षेनं सुंदर पद्धतीची फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतोय. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू, गती परिवर्तनाचा चेंडू, थोडासा मोठा फटका मारायचा इरादा. बॅटच्या पट्ट्या देत नाही चेंडून. बऱ्याच वेळानं निर्धाव चेंडू धावपलकावर काढला जातोय. निर्धाव चेंडूच्या संघाकडे सांघिक धावसंख्या पोचते ते 32 धावा. धावपलकावर 83 धावांचा पाटला करत असताना उत्तुंग पद्धतीचा एक फटका पाहायला मिळतोय. नेत्रदीपक पद्धतीचा फटका 6 धावांसाठी डोक्यावरून. षटकारानं होतंय गोलंदाजाचं स्वागत आणि 6 धावानं सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 38 धावा या धावपलकावर. 83 धावांचा पाठलाग करायचाय. थोडा उशीर होतोय प्रतिस्पर्धी संघाला, फ्रेंड्स इलेव्हन संघाला. पहिल्या दोन अनुभवाची जो ही मात्र खेळी एक कल्पेश आणि त्यानंतर संदेश टाकू. सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी करतोय आणि त्यानंतर विचार केला थोडस खराब गोलंदाजीचं विवरण पाहायला मिळतंय. वारंवार मोठा फटका मारावा इराद्यानं खेळावं. 83 धावांचं डोंगर एवढ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचाय. चांगल्या चेंडूचा सन्मान करायचाय. खराब चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवायचाय. 4 षटकांचा 24 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त आणि 24 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्या 83 धावांचा पाठलाग करत असताना 38 धावा धावपलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचं शतक प्रगतीपथावर. 6 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. उर्वरित 6 चेंडू आणि विजयासाठी सहा चेंडू 45 धावांची आवश्यकता. सामना सिनियर बॉईज संघाच्या बाजूने दिसतोय पण क्रिकेटमध्ये जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही तोपर्यंत भाकीत करणं मात्र खूप कठीण असतं आणि गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्स दूर करणं स्क्रीनवर येतोय. तो संतोष सज्ज होतोय. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू, मोठा फटका मारावा. शपल केल्यानंतर थोडासा फिरकी गोलंदाज. ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू, बॅटच्या पट्ट्या देत नाही चेंडू. एक धाव बाल होते, बाल केलेले धाव संख्येनं धावपलक मात्र एक न पुढं पदार्थ येतो. 39 धावा या धावपलकावर. 5 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. 5 चेंडू 44 धावांची आवश्यकता असताना मोठा फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग रिसमध्ये शैलेश मात्र एक 20 स्फोटक फलंदाजी करतोय. पहिल्या 2 षटकांमध्ये 20 स्फोटक फलंदाजी सलामीवीरनं केली असते तर एक मोठा सामना, एक रोमांचक सामना मैदानावर पाहायला मिळाला असता. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू थोडासा एटिकन टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय. शरीरष्टव चेंडू आढळतोय. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि तब्बल 5 षटकारांची 1 चौकारांची नटलेली खेळ साकारत शैलेश मात्र स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. एक उत्तुंग पद्धतीचा पुन्हा एकदा एक गजब का छक्का 6 रन्स केले डीजे.
थैंक यू डिजे एकावन्न धावा धाव फलकावर स्क्वेअर कटचा फटका पाहायला मिळतोय. पहिल्या प्रयत्नात संदेश टाकू स्क्रीनवर येतोय आणि दोन फलंदाज दोन धावा प्राप्त करतायत. या दोन धावांना सांघिक धाव संख्या पोचतोय ती मात्र 53 धावा धाव फलकावर दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. पंचेचाळीस वैयक्तिक या 53 धावांमध्ये वैयक्तिक 45 धावांच्या योगदानामुळे स्ट्रायकर एंडला शैलेश खेळतोय आणि या 45 धावांमध्ये 6 षटकारांची 1 चौकाराची नटलेली खेळ साकारत या सामन्याची सांगता करणारा शेवटचा चेंडू शैलेश 50 अभी गाठतोय आणि शैलेश मात्र या ठिकाणी मधलं अर्धशतकी खेळी पूर्ण करतोय. षटकारांना होते सामन्याची समाप्ती. शैलेशची मात्र 7 षटकार 1 चौकारांची अर्धशतकी खेळी येते संपुष्टात. थोडस मात्र फ्रेंड्स पण संघ थोडस कमी पडतोय. दोन षटकामध्ये धावसंख्या जमवली असते तर नक्कीच एक रोमांचक सामना झाला असता मैदानामध्ये. सिनियर बॉईज संघ पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करतो आणि फ्रेंड्स सर्कल या स्पर्धेमध्ये सहभाग होतोय. तुमचं खूप खूप आभार खूप खूप कौतुक पुन्हा एकदा या चॅम्पियन्स.